मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स का हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल श्रृंखला में स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। यकीन मानिए यह हमारी वीडियो श्रृंखला जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी भाषा पर आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और उसी के लिए समर्पित भी है। आइए देखते हैं हम इस क्रम में और क्वेश्चंस कैसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ए योगिराज, बी एकत्र, सी मंत्रिमंडल, डी नीरस। यहां सही विकल्प है मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए स्प्रिहा, बी लिप्सा, सी यातना, डी कामना। सही विकल्प है सी यातना। थ्री, दोपहर कौन सा समास है? ए बहुव्रीही समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विक समास। सही विकल्प है यहाँ डी द्विक समास। प्रश्न चार, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इनमें से कौन सा वाक्य है? ए आज्ञावाचक वाक्य, बी निषेध वाचक वाक्य, सी संकेत वाचक वाक्य, डी विधि वाचक वाक्य। सही विकल्प है बी निषेध वाचक वाक्य। प्रश्न पांच, ओ यह पिट ही गया, यह कौन सा वाक्य है? ए संकेत वाचक वाक्य, बी विस्मय वाचक वाक्य, सी विधि वाचक वाक्य, डी विधिवाचक वाक्य। सही विकल्प है बी विस्मय वाचक वाक्य। प्रश्न छह, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? ए सात, बी तीन, सी चार, डी पांच। यहां सही विकल्प है सी चार। प्रश्न सात, छ त्र ग्या ये तीनों कौन सा से व्यंजन है? ए संयुक्त व्यंजन, बी तवर्गीय व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी में से कोई नहीं। सही विकल्प है ए संयुक्त व्यंजन। प्रश्न आठ, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं यह कौन सा वाक्य है? ए निषेधवाचक वाक्य, बी विस्मय वाचक वाक्य, सी संकेत वाचक वाक्य, डी आज्ञावाचक वाक्य। सही विकल्प है सी संकेत वाचक वाक्य। प्रश्न नौ, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, सी संबंध तत्पुरुष, डी करण तत्पुरुष। यहाँ सही विकल्प है ए कर्म तत्पुरुष। मित्रों मैं आपको बता दूं, इस सब को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी में पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में कवर किया गया है, आप रेफर कर सकते हैं कि ये समास कितने प्रकार के होते हैं या इनका की व्याख्या क्या है, सबके व्याख्यान पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में मौजूद हैं। प्रश्न 10, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ए 8, बी 4, सी 5, डी 2। सही विकल्प है बी 4। प्रश्न 11, यथासंभव कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी द्विग। सही विकल्प है सी अव्ययी भाव। प्रश्न 12, वीड़ापाणी कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुव्रीही समास, डी करण तत्पुरुष समास। सही विकल्प है सी बहुव्रीही समास। प्रश्न 13, दुअन्नी कौन सा समास है? ए बहुव्रीही समास, बी अव्ययी भाव समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विग समास। सही विकल्प है यहाँ पर डी द्विक समास। प्रश्न 14, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? ए 6, बी 3, सी 9, डी 7। सही विकल्प है बी 3। प्रश्न 15, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है? साप्ताहिक, वाष्प, सिंदूर, वीड़ा। सही विकल्प है ए साप्ताहिक। प्रश्न 16, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है? ए आशीर्वाद,
बी ईर्ष्या, सी अनुकूल, डी नक्षत्र नक्षत्र। सही विकल्प है डी नक्षत्र, ये नक्षत्र होना चाहिए। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए विभावसु, बी वायुसखा, सी हुतासन, डी विपगथगा। सही विकल्प है डी विपथगा। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए मेघपुष्प, बी सर, सी नीर, डी अंबु। सही विकल्प है बी सर। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए पावक, बी निकेतन, सी सदन, डी शाला। सही विकल्प है ए पावक। प्रश्न 20, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ए 9, बी 8, सी 10, डी 6। सही विकल्प है डी 6। प्रश्न 21, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कार्य की विभक्ति है? ए अधिकरण, बी संप्रदान, सी करण, डी अपादान। सही विकल्प है सी करण। प्रश्न 22, नेता शब्द का स्त्री लिंग रूप क्या है? ए नेत्री, बी नेतिन, सी नेत्री, डी नेताजी। सही विकल्प है नेत्री। प्रश्न 23, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? ए सूर्यो प्लस दय, बी सूर्य प्लस उदय, सी सूर्य प्लस उदय, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी सूर्य धन उदय या प्लस उदय। प्रश्न 24, अध्यापक शब्द का स्त्री लिंग रूप क्या होता है? ए अध्यापिका, बी अध्यापकी, सी अध्यापक, डी अध्यापिकी। सही विकल्प है ए अध्यापिका। 25, दाता शब्द का स्त्री लिंग रूप क्या है? ए छात्री, बी दात्री, सी छाती, डी दात्री। सही विकल्प है डी दात्री। प्रश्न 26, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? ए निषेधात्मक निपात, बी नकारात्मक निपात, सी बलदायक निपात, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी प्लस उत प्लस चय, सी सम प्लस उच्चय, डी सम प्लस उच्चय। सही विकल्प है सम प्लस उत प्लस चय। 28, इंद्र शब्द का स्त्री लिंग रूप क्या है? ए इंद्रा, वी इंद्राणी, सी इंद्राणी, डी इंद्राणी। सही विकल्प है सी इंद्राणी। 29, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ए महो प्लस इंद्र, बी महे प्लस इंद्र, सी महा प्लस इंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी महा प्लस इंद्र। 30, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ सही विकल्प है बी कर्म कारक। प्रकार से हमने यह वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए समर्पित किया है, आपको जरूर इससे कुछ सीखने को मिलेगा, समझ में आया होगा और आपको पसंद आएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि यदि आपको पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।